हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.5 इसका आपका क्वेश्चन नंबर 9 यानी लास्ट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझ लो। अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम, कितना वाटर उसमें फॉल होगा, कितना वाटर उसमें चला जाएगा सी के अंदर। ओके स्टूडेंट, किस टाइप से सॉल्व करेंगे? ऐसा समझ लो ये आपकी रिवर है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी रिवर है, इसमें हमें आपको दे रखा है 3 मीटर डीप, यानी एच इक्वल्स टू 3 मीटर, 3 मीटर, 40 मीटर वाइड यानी डीप इक्वल्स टू 40 मीटर। लेंथ आपको पता नहीं है तो लेंथ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे समझ लो। वाटर कितना जा रहा है, वाटर फॉल इन 1 आवर 2 किलोमीटर जा रहा है, यानी 2 किलोमीटर पर आवर मतलब हो गया 1 आवर में 2 किलोमीटर। अब 1 आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो ये कितना लगेगा, 60 मिनट। ओके, और 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना लगेगा, 2000 मीटर। अब 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 2000 बाय 60, 0 0 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 3। ओके, 100 बाई 3, 100 बाई 3 मीटर, यानी कि 1 मिनट के अंदर 1 मिनट इक्वल्स टू 100 बाई 3 मीटर। इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, एक तरह से आपकी लेंथ हो जाएगी। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सी। ओके स्टूडेंट्स, वाटर फॉल इन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ हमने अभी भी फाइंड आउट करी, ये है 1 मिनट की लेंथ। 1 मिनट में कितनी लेंथ कवर करेगा, 100 बाय 3 मीटर, तो 100 बाय 3 मल्टीप्लाई बी हमारे पास 40 है एंड एच हमारे पास है 3, से 3 कैंसिल एंड आंसर इज 4000 मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर आंसर। कितना वॉल्यूम वाटर किसमें फॉल होगा, सी के अंदर चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहे हैं आपकी 13.6। ओके स्टूडेंट्स, हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 1, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलैंडरिकल वेसल इज 132। आपको सिलेंड्रिकल बेस दे रखा है, ओके, उसका सर्कमफेरेंस किस टाइप का, इस टाइप का, ये आपका सिलेंडर है। ओके स्टूडेंट्स, अब सिलेंड्रिकल वेसल का जो सर्कमफेरेंस दे रखा है, यानी सर्कमफेरेंस इसकी लेंथ दे रखी है, इसकी लेंथ, ये किस टाइप का सर्कुलर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2πr। इसमें से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, आर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ओके स्टूडेंट्स, इस जबकि इसकी आपको हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर, हाइट एस इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस वी वांट टू फाइंड आउट। ओके स्टूडेंट्स, तो रेडियस हमें चाहिए क्योंकि हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मींस इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, तो उसमें आर भी चाहिए और एच भी चाहिए, तो एच हमारे पास है बट आर वी डोंट हैव। ओके, देन सबसे पहले हम देखो सर्कमफेरेंस, सॉल्यूशन 1, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2πr, 2πr, 2 × π = 22/7, रेडियस वी डोंट नो एंड सर्कमफेरेंस इज 132। ओके स्टूडेंट्स, देन आर इक्वल्स टू 132 बाय यहां हो जाएगा 2 × 22 मल्टीप्लाई 7। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वील सॉल्व, 22 6 132, 2 से 2 3 6 एंड रेडियस विल बी 21 सेंटीमीटर, रेडियस आगे 21 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू फॉर्मूला वही πr²h,
पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना निकला 21 इंटू 21 इंटू एच, एच कितना हमारे पास 25, 25 सेंटीमीटर में एच दे रखे हैं। सॉल्व करो 27 + 21 इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व कर लो इसे, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। अब 21 और 66 का मल्टीप्लाई करो, 21 एंड 66 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 = 6 × 12 तो यहां आ जाएगा 6 × 8 = 1386 मल्टीप्लाई 25 अगेन 25 को मल्टीप्लाई और करो इसके साथ तो क्या होगा 5 × 6 = 30 5 × 8 = 43 43। ओके और यहां पे हो जाएगा 5 × 3 = 15 and 4 = 19 5 × 1 = 6 × 2 × 2 = 2 2 × 2 = 16 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 16 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2 × 2 = 2 2
ये हो जाएगा इक्वल टू 3 4 6 5 0 सेंटीमीटर क्यूब। आपको गिवन है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, देन 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1000, तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे इसको 34650 बाय 1000 एंड इट विल बी 34.650 मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर आंसर। जीरो लगा के बताओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 34.65 है तब भी वो आपका आंसर सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या करना है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 मीटर, द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझ लो। पाइप किस टाइप का होता है, पाइप अंदर से होलो होता है, मतलब खाली अंदर से, और इसका जो वॉल्यूम होगा, अगर हम बाहर के वॉल्यूम में से टोटल वॉल्यूम में से अंदर का जो खाली स्पेस है उस वॉल्यूम को माइनस कर दो तो क्या रह जाएगा, केवल जो पाइप है जो मटेरियल यूज हुआ है इसमें उसका वॉल्यूम रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे समझ दो। ये इस टाइप का है, इसके कॉर्नर्स इस टाइप के होंगे, इस टाइप के कुछ होंगे, इसके आपको डायमीटर दे रखे हैं। ओके, इनर डायमीटर दे रखा है आपको 24, तो इनर रेडियस यानी कि यहां से यहां तक रेडियस हो जाएगा स्मॉल r इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और कैपिटल r, कैपिटल r विल बी कितना दे रखा है आपको डायमीटर 24 एंड आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 28 सेंटीमीटर, देन आउटर रेडियस कैपिटल r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, देन we have to find out volume of this one. Okay, इस corner इनका volume हमें find out करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर के outer volume में से अंदर के volume को minus कर लेंगे, या आप बोल सकते हैं whole volume में से अंदर का volume जो खाली space है उसको minus कर लेंगे और आपके पास जो material use हुआ उसका volume find out हो जाएगा। तो volume of mass, वॉल्यूम ऑफ पाइप ऐसे लिख लो, वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, इसको माइनस कर लेना, पाई और एच, पाई एच दोनों साइड में कॉमन है तो पाई एच इज कॉमन, देन आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, पाई और एच भी लिख लो, पाई इंटू एच, देन पाई वैल्यू 32/7 इंटू हाइट इज 35 सेंटीमीटर ऑलरेडी इज गिवन, ये 35 एंड आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इज 14 स्क्वायर माइनस स्मॉल 12 स्क्वायर
इसको सॉल्व करेंगे 7 5 35 5 हो गया 22 into 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में करो या तो इसको इसका स्क्वायर करना है इसके स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस कर लेना तब भी आंसर हो जाएगा और हम एक और तरीके बता दे रहे हैं इसको कर लो a प्लस b और a माइनस b 14 प्लस 12 एंड 14 माइनस 12 ये हो जाएगा इसको सॉल्व करो 22 into 5 ये हो जाएगा हमारा 110 110 into 26 multiply 2 ओके स्टूडेंट्स इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 26 को और 110 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यू गेट कितना आंसर आएगा आपके पास 2860 multiply 2 2 से मल्टीप्लाई करो 0 2 6 जा 12 2 2 8 जा 16 और 17 2 2 जा 4 1 5 ओके स्टूडेंट्स 5720 एक बार और चेक करो 0 2 6 जा 12 2 6 जा 12 1 कैरी 2 8 जा 16 और 17 2 2 जा 4 1 5 कितना हो गया कितने सेंटीमीटर क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब नाउ वी हैव गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 0.6 ग्राम तो इसको कन्वर्ट कर लो मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से तो मास ऑफ पाइप इक्वल्स टू 5720 मल्टीप्लाई 0.6 ओके स्टूडेंट 0.6 मल्टीप्लाई करो 0 6 2 12 2 6 7 42 43 ओके 4 कैरी 6 5 30 34 ओके स्टूडेंट्स ये बार फिर चेक करो 6 0 6 2 1 कैरी 6 7 42 43 4 6 5 30 34 ओके स्टूडेंट्स इतने सेंटीमीटर इतने ग्राम ओके ये तो ग्राम हो गया नाउ वी वांट टू कन्वर्ट इन किलोग्राम सो मास इन किलोग्राम 34320 by 1 ओके देन आंसर यू गेट 34.32 किलोग्राम इस स्टेप से लिख सकते हो जीरो लिख के और अपने वेट से आंसर ओके स्टूडेंट्स द स्टेप्स आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपसे हो जाए थर्ड फोर्थ तो कोशिश करना एक बार ट्राई करने की ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना